Hello, good morning students. Welcome back to our English lecture. Students, in today's class we are going to continue with the chapter number 4, that is Kushti, the dying sport. Okay, in previous lecture we have started this chapter of Kushti. Okay, in this chapter we have discussed many things and in today's lecture we will continue this chapter. So students, open your book. Kushti, the dying sport, which we have started in a previous lecture. In previous lecture, we have discussed that Kushti is one of the most oldest sports in India, because in Mahabharat, in Ramayana, we have seen the at that time also Kushti was played. Okay, so Kushti is the most oldest sports in India. ओके, कुश्ती इज ऑल्सो कॉल्ड पहलवानी. ओके, एंड ये पहलवानी कहाँ सिखाई जाती थी? रेस्टलिंग में. ओके ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑल्सो स्टडीड के वेयर वी शुड लर्न द कुश्ती. कुश्ती यानी कि पहलवानी हम कहाँ सीखते थे? तो इन ओल्डन टाइम इट टेक्स प्लेस इन द अखाड़ा. अखाड़ा मीन्स द स्कूल ऑफ रेस्टलिंग. ओके, और हमने ये भी स्टडी किया था कि वो जो सॉइल होता है जिस प्लेस पे वो लोग रेस्लिंग यानी के कुश्ती खेली जाती है, वो सॉइल कैसा होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, नाउ ट्रेनिंग फॉर अ रेस्लर बिगिंस वेरी अर्ली इन लाइफ. ओके, जो ये जो रेस्लर जो ये बॉक्स ये रेसलिंग गेम खेलते हैं, द वन पर्सन इज कॉल्ड द रेस्लर, द वन हु प्लेज द रेस्लिंग गेम. ओके, सो द ट्रेनिंग फॉर अ रेस्लर बिगिंस वेरी अर्ली इन लाइफ. अ पर्सन ट्रेन्स फॉर 5 to 6 इयर्स टू बिल्ड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी बिफोर ही बिगिंस रेस्लिंग. ओके, रेस्लिंग में अपना करियर स्टार्ट करने से पहले उसको कितने 5 to 6 ईयर प्रायर उनको ट्रेनिंग दी जाती है टू बिल्ड देयर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी. ओके, सो दिस पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेड रेडी फॉर द स्पोर्ट. अ रेस्लर मस्ट टेक अ हाईली न्यूट्रिशियस डाइट ऑफ almonds, ghee, vegetables, fruits and milk. The one who plays the wrestling game is called the wrestler. And wrestler ka diet kaisa hota hai? Yes, full of nutrients se hona chahiye. Okay, so full of nutrients diet usme hone chahiye. To usko kya khana chahiye? So almonds, ghee, vegetables, fruits and milk. The day starts with very early with exercise ranging from push-ups to weight lifting. Okay, उनकी डे की स्टार्टअप कैसे होती है? एक्सरसाइज से. कौन सी एक्सरसाइज करने की? पुशअप्स से स्टार्ट करके वेट लिफ्टिंग तक की. ईच रेस्लर मे हैव 2 to 3 बाउट्स अ डे. ओके, जो भी ये रेस्लर बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ट्रेनिंग पीरियड में, बाउट्स, बाउट्स मतलब कॉन्टेस्ट. हमने पहले ही बाउट्स का मीनिंग देख लिया था. बाउट्स मीन्स कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट ऑल्सो द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द रेस्लर्स हैव टू फाइट विच ईच अदर. अगर आपको रेस्लिंग की ट्रेनिंग लेनी है तो एक्सरसाइज पुशअप्स से आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सीबिलिटी इंक्रीज होगी. बट फाइनली वो स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज हुई है वो तो आप फाइट करोगे फिर ही पता चलेगा ना. सो 2 to 3 बाउट्स अ डे, 2 से 3 बार उनको एक दूसरे से रेसलिंग करनी पड़ती है प्रैक्टिस. ओके, नेक्स्ट. द रेस्लर इन इंडिया ऑफन फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. ओके, जो रेस्लर इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. लेट्स सी, इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डाइट, ट्रेनिंग कॉस्ट आर वेरी हाई. उनको कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि जो ये ट्रेनिंग होती है भाई रेस्लिंग की, वो उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है.
एंड उसके सामने उसको अप्रोप्रिएट प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेना पड़ता है जिसका कॉस्ट अगेन हाई होता है. आफ्टर आवर्स ऑफ ट्रेनिंग वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग मैनी रेस्लर्स कंटिन्यू विद देयर स्टडीज और वर्क. ओके, द वन हु प्रैक्टिस द रेस्लर, वो कोई बड़ा आदमी नहीं होता है, उसकी एज वो आपने ऊपर ही देखा कि उसको 5 to 6 ईयर्स की ट्रेनिंग लगती है. सो वेरी इन अ स्मॉल एज ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. ओके, सो अलोंग विद दिस रेस्लिंग ट्रेनिंग ही और शी माइट बी स्टडिंग ओके और वर्किंग समवेयर एल्स. सो अर्ली मॉर्निंग में कुछ घंटों की प्रैक्टिस एक्सरसाइज के बाद दे कंटिन्यू विद देयर स्टडीज और वर्क. Often they do not have the equipments necessary for the training. कोई कोई ऐसा होता है, कोई उस ट्रेनिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टूल्स चाहिए ट्रेनिंग के लिए, वो कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है. सो वो भी एक चैलेंजिंग फैक्टर है. ओके, नेक्स्ट, कुश्ती इज लॉसिंग इट्स पॉपुलैरिटी बिकॉज इट टेक्स ईयर्स ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग फॉर अ रेस्लर टू टेक पार्ट इन अ टूर्नामेंट. ओके, जो ये रेस्लिंग कुश्ती है, ठीक है, कुश्ती में आपको अपना करियर बिल्डअप करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसके लिए बहुत सारा टाइम पीरियड लगेगा. क्यों? बिकॉज उसी की ट्रेनिंग आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ले सको. पार्टिसिपेट करने के लिए यू नीड अ ट्रेनिंग ऑफ 5 to 6 ईयर्स एंड यू रिक्वायर अ न्यूट्रिशियस डाइट. ओके, सो ये जर्नी जो है ना वो बेटा बहुत लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग पीरियड, बहुत टाइम चाहिए. इसीलिए कुश्ती इज लॉसिंग इट्स पॉपुलैरिटी. ओके, टू बिकम अ रेस्लर इट टेक्स अ वेरी लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो. सो प्लेयर्स अर्न वेरी लिटल इन टूर्नामेंट, इसीलिए प्लेयर्स को जो अर्निंग्स होती है टूर्नामेंट में वो बहुत ही कम होती है. ओके, चलो नेक्स्ट, ऑन पेज नंबर 42. मोर एवर देर आर नॉट मैनी ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर रेस्लिंग, और इसीलिए ट्रेनिंग स्कूल जहां पे रेस्लिंग की ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत ही इंडिया में कम है. द एंशियंट स्पोर्ट कैन बी कैप्ट अलाइव इफ रेस्लर्स गेट फंडिंग फॉर द डायट एंड ट्रेनिंग. अगर ये जो हमने देखा कि कुश्ती बहुत ही एंशियंट ओल्डेस्ट फॉर्म है स्पोर्ट्स का, ओके, तो आज भी हमें वो एंशियंट कुश्ती चाहिए, देखनी है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं द फ्यूचर रेस्लर्स, उनको फंडिंग्स यानी कि मनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर देयर डाइट एंड ट्रेनिंग. ओके, सो इट इज difficult for most players to have regular jobs and train in the early hours of the day. Okay, so ये बहुत ही difficult है क्योंकि कोई भी jobless तो नहीं हो सकता ना, they have to earn. Okay, अगर उनको survive करना है तो they need to earn. Okay, so for that आप जॉब भी करो, काम भी करो या स्टडी करो, तो उसके साथ अर्ली मॉर्निंग में ये ट्रेनिंग सब लोग नहीं कर सकते हैं. ओके, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. एवर सिंस इंडिया वॉन मेडल्स एट द 2008 ओलंपिक्स एट फ्री स्टाइल रेसलिंग यानी के कुश्ती हैज रिसीव्ड द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड. ओके, इन सबको फेस करके 2008 में जो ओलंपिक्स गेम हुई थी उसमें रेसलिंग में इंडिया को अवार्ड मिला था. ओके, मेडल मिला था, जिससे कि ये प्रूव हो गया था कि कुश्ती पूरे वर्ल्ड में अभी भी कुश्ती इज प्लेड इन इंडिया. ओके, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज want the wrestlers to compete on mats instead of sand pits so that they could compete in the Commonwealth Games and the Olympic Games. Now there is one more challenge in this, kyunki generally we have seen in our previous step in this chapter only that ki jo kushti kheli jati hai wo sand mein kheli jati hai, mitti mein,
ठीक है, बट ओलंपिक्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर उन्हें खेलना है तो वहां पे क्या होते हैं, मैट्स होते हैं। सो सैंड पिट्स के जगह पे मैट पे उनकी आप जिस वे में वहां पे खेलने वाले हो, यू नीड आपकी सराउंडिंग्स एरिया बिल्कुल वैसी होनी चाहिए कि जैसा आप कंपटीशन में प्ले करने वाले हो, तो वहां पे तो मैट्स यूज होते हैं। ओके, सरफेस में क्या होता है, मैट्स, मैट्स पे कुश्ती खेली जाती है। ओके, सो ये भी एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी की नीड है कि अगर रेसलर हमें इंडिया से भेजना है तो रेसलर को पहले ट्रेनिंग अलोंग विद द डाइट एंड ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होनी चाहिए, मैट्स पे, सैंड पे नहीं। ओके, अगर वो मैट्स पे प्रैक्टिस करेगा तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स एंड ओलंपिक गेम्स खेल पाएगा। ओके, सो कुश्ती इज अ पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया। इफ मोर ट्रेनिंग फैसिलिटीज, fundings and tournaments are arranged, this dying sports may continue to live. Okay, ऐसे क्यों बोला है कि कुश्ती the dying sports, क्योंकि कुश्ती जो है वो बहुत oldest form है और उसमें funding बहुत चाहिए, energy चाहिए, training चाहिए। Okay, so sports facilities यानी कि जो कुश्ती सिखाते हैं, the training facilitators are very less. ओके, और इसीलिए फंडिंग भी कम है और टूर्नामेंट्स भी बहुत ही कम ऑर्गेनाइज की जाती है। अगर हमें कुश्ती को लाइव रखना है तो वी नीड मोर ट्रेनिंग फैसिलिटीज, फंडिंग्स एंड टूर्नामेंट्स आर अरेंज्ड। अगर टूर्नामेंट्स होती रहेगी तो रेसलर्स आगे आएंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, so this was your chapter, Kushti, the dying sports. So students, I hope this chapter is clearly understood by you. Okay, so read the chapter from your textbook once again. Okay students, and try to solve the textual exercise. Okay, bye.